बहुत अहम मामला, बानी पीटीआई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से रियासत मुखालिफ वीडियो अपलोड करने का मामला। साबिक वजीर आजम का दूसरी बार भी एफआईए तफ्तीश में शामिल होने से इनकार, वकला की मौजूदगी में जवाब देने की शर्त रख दी। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे यासिर हकीम से। जी यासिर। जी बिल्कुल, बानी चेयरमैन पीटीआई के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से जो रियासत मुखालफ वीडियो शेयर की गई थी उस पर तफ्तीश के लिए एफआईए की टीम आज दोबारा अडेला जेल गई थी और उनसे तफ्तीश के लिए बाकायदा तौर पर अडेला जेल के तमाम कानूनी जाब्ते पूरे करने के बाद जब टीम उन तक पहुंची तो बानी चेयरमैन पीटीआई ने आज दूसरी मरतबा भी एफआईए से तावन शामिल तफ्तीश होने और किसी भी किस्म के सवालात का जवाब देने से इनकार करते हुए दोबारा इस जिद पर अपनी कायम रहे कि वो अपने वकला की मौजूदगी में किसी भी किस्म के सवालात का जवाब देंगे और शामिल तफ्तीश होंगे। आज 4 बजे ये टीम पहुंची थी और तकरीबन 4 घंटे तक वो अडयाला जेल में उनसे तफ्तीश के लिए मौजूद रही। इससे कबल एफआईए की टीम 31 मई की शाम को जो है वो अडयाला जेल गई थी बानी चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश के लिए पहली दफ़ा, लेकिन उस मरतबा भी उन्होंने एफआईए से किसी किस्म के तावन और शामिल तफ्तीश होने से इनकार करते हुए यही जिद रखी थी कि वो अपने वकला की मौजूदगी में किसी भी किस्म के सवालात का जवाब देंगे। जी